डिवीज़न जो है फलकनुमा डिवीज़न, नवाब साहब कुंडा डिवीज़न, जहानुमा डिवीज़न, दूधबोली डिवीज़न, रमनासपुरा डिवीज़न, किशनबाग डिवीज़न के जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स थे, आज सारे कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन दाखिल करे। इस मौके के ऊपर मेरे संगात हमारे सीनियर लीडर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब एमए गफ्फार साहब और पार्टी के सुदूर मोतमदीन व सदरा मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार भी आवाम के दरमियान में जब जाएगी अपने उम्मीदवारों को ले लेकर डेवलपमेंट के ऊपर जाएगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, एमएलएस, कॉरपोरेटर, वर्कर्स साल के 12 महीने हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हैं, आवाम के साथ रहते हैं, उस एरियों का डेवलपमेंट चाहते हैं, उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के लिए आवाज़ उठाई है। गवर्नमेंट के जो गलत पॉलिसीज़ रहते हैं हमेशा तायद करने की जगह गवर्नमेंट को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तायद कही है। जहां मुखालिफत करना चाहिए वहां पर खुलकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, उस गवर्नमेंट के प्रोग्रामों को मुखालिफत किए गए हैं। इंशाल्लाह ताला बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, सदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, और इंशाल्लाह ताला 6 के 6 उम्मीदवार बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। और हमें उम्मीद है आवाम पर इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तायद में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और भरपूर निकलकर अपने अपने घरों से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। शुक्रिया।